करीब इससे पहले 5-6 लेटर हमारे हो चुके हैं। अब जो हमें लेटर शुरू करना है वो लेटर भी कलेक्टर को लिखेंगे और ये जो लेटर होगा वो एडिटर के लिए राइट ए लेटर टू द एडिटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम हिंदुस्तान टाइम about the presenter water supply in your area. Irregular water supply in your area. Letter लिखना है और letter लिखना है editor को, संपादक को। Newspaper का नाम भी दिया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स। आपके क्षेत्र में पानी की अनियमित आपूर्ति के लिए, आपके क्षेत्र में जो पानी की आपूर्ति है वो अनियमित है, उसके लिए आपको एडिटर को लेटर लिखना है। मैटर वही रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल अलवर और उसके नीचे डेट 24 दिसंबर 2020। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जहां से लेटर लिखा जाता है उस स्थान का नाम, शहर का नाम और उसके नीचे डेट। कुछ गैप दिया द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट a letter for
फॉर इरेगुलर वाटर सप्लाई इन आवर एरिया, और इस जगह पे न तो हम कोई फुल स्टॉप लगाएंगे और न ही कोई कॉमा लगेगा। जो भी सब्जेक्ट आएगा, जहां सब्जेक्ट का एंड होगा, उस स्थान पे न तो कोई सब्जेक्ट फुल स्टॉप होगा और न ही कोई कॉमा होगा। इसके बाद सर नीचे आई वांट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट दैट आई लिव इन गांधीनगर आई लिव इन गांधीनगर द वाटर सप्लाई सप्लाई of this area is not regular. इसी बीच में और बताना चाहूंगा, ये जो हमने लेटर शुरू किया है, जो भी नई लाइन शुरू होगी बिल्कुल एक सीध में शुरू होगी। जब भी हमें कोई नई लाइन लिखनी होगी, वो नई लाइन हमें बिल्कुल एक सीध में, बिल्कुल एक सीध में वहीं से शुरू करनी होती है। एवरी न्यू लाइन, जैसे कहीं फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस अधूरा रह गया बीच में, तो नया पैराग्राफ जो हमें शुरू करना है, नया पैराग्राफ जो जोड़ना है, वो केवल आगे से ही शुरू होगा। क्योंकि ये जरूरी है, न्यू मेथड है लेटर लिखने का, न्यू सिस्टम जो बताया वो इसी तरह का है। जो भी लाइन शुरू होगी वो हमेशा आगे से ही शुरू होगी। इसके बाद The water supply of this area is not regular. Students, go to school. Students, go to school without taking bath. Students go to school without taking bath. ठीक है ना? उसके बाद में without taking bath, the supply water is not drinkable. Supply water is not drinkable. Sometimes
sometimes small insects can be seen in the water. Sometimes small insects can be seen in the water. Full stop. There is no fixed time to water supply. Water supply. Pupil of this locality have to spend much time for water. Sometimes water is supplied in the night. So pupil do not find proper time for sleep. Do not find proper time for sleep. Full stop. There are many breakdowns of water supply in our locality. Water supply in our locality. Despite our several complaints, अब इसे मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे का मैटर मैं इसको डिस्पाइट अवर सेवन कंप्लेंट्स डिस्पाइट अवर सेवन कंप्लेंट्स
एंड रिमाइंडर्स there has been no improvement no improvement in the water supply system in the water supply system full stop. Full stop. Next line is here. You are requested to do the water supply timely and without breakdown. इसके नीचे yours faithfully और उसके नीचे जो आता है वो नाम नेम जो भी आया है वो इस जगह पे आएगा. जगह ना होने के कारण मैंने इसको साइड में लिख दिया. तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था राइट ए लेटर to the editor of the Hindustan Times about the irregular water supply in your area. आपके क्षेत्र में पानी की अनियमित सप्लाई के लिए संपादक को हिंदुस्तान टाइम के संपादक को एक पत्र लिखना है. तो ये जो मैं लिखा एग्जामिनेशन हॉल अलवर डेट पत्र जिसके द्वारा लिखा गया उसका द एडिटर, एडिटर भी किसका है द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली. सब्जेक्ट है ए लेटर फॉर इरेगुलर वाटर सप्लाई इन अवर एरिया. हमारे क्षेत्र में पानी की अनियमित सप्लाई के लिए पत्र है. श्रीमान आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आई लिव इन गांधीनगर मैं गांधीनगर में रहता हूं. द वाटर सप्लाई ऑफ दिस एरिया इज नॉट रेगुलर इस क्षेत्र की पानी की आपूर्ति नियमित नहीं है. इस क्षेत्र की पानी की आपूर्ति नियमित नहीं है. स्टूडेंट्स गो टू स्कूल विदाउट टेकिंग बाथ छात्र
बिना नहाए स्कूल चले जाते हैं। छात्र बिना नहाए स्कूल चले जाते हैं। द सप्लाइड वाटर इज नॉट ड्रिंकेबल। सप्लाई किया हुआ पानी पीने योग्य नहीं है। सप्लाई किया हुआ पानी पीने योग्य नहीं है। समटाइम्स कभी कभी स्मॉल इंसेक्ट्स कैन बी सीन इन द वाटर। कभी कभी पानी में छोटे छोटे कीट देखे जा सकते हैं। कभी कभी पानी में छोटे छोटे कीट देखे जा सकते हैं। देयर इज नो नॉट फिक्स टाइम टू वाटर सप्लाई। पानी की आपूर्ति का कोई निश्चित समय नहीं है। पीपल ऑफ दिस लोकेलिटी या पीपल ऑफ दिस एरिया हैव टू स्पेंड मच टाइम फॉर वाटर। इस क्षेत्र के लोगों को अपना अधिकतर समय पानी के लिए व्यतीत करना पड़ता है। समटाइम्स कभी कभी वाटर सप्लाई इन द नाइट। कभी कभी पानी की सप्लाई रात्रि में की जाती है। सो पीपल डू नॉट फाइंड प्रॉपर टाइम फॉर स्लीप। इसलिए लोगों को सोने का ठीक समय उचित समय नहीं मिल पाता। देर आर मेनी ब्रेक डाउन फॉर वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। हमारी लोकेलिटी में पानी की सप्लाई में बहुत सारे ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन हो जाना मीन्स कटौती हो जाना, रुक जाना, टूट जाना। डिस्पाइट अवर सेवरल कंप्लेंट्स एंड रिमाइंडर्स। हमारी अनेकों शिकायतों और रिमाइंडर्स के बावजूद देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट इन वाटर सप्लाई सिस्टम। पानी की आपूर्ति सिस्टम में कोई सुधार नहीं है। इन सब के बावजूद पानी की सप्लाई में कोई सुधार नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू वाटर सप्लाई टाइम एंड विदाउट ब्रेक डाउन। आपसे प्रार्थना है पानी की सप्लाई समय पर और बिना ब्रेक डाउन के करें, ताकि सो दैट पीपल कैन गेट प्रॉपर वाटर विदाउट एनी डिफिकल्टी। लोगों को बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी परेशानी के उचित पानी मिल सके। तो ये जो लेटर था एडिटर के लिए था, और जो पानी की वाटर सप्लाई की थी, और इसमें इसको ब्रेकडाउन के लिए भी कह सकते हैं। देयर आर ब्रेकडाउन अगेन एंड अगेन इन वाटर सप्लाई। तो ये हमारा लेटर था, एक बार उसको उतारें फिर आगे देखते हैं। तो ये हमारे करीब 6-7-8 लेटर्स हो चुके हैं। अभी इसके बाद
कुछ जॉब लेटर, अभी तो लेटर ऑन कराने हैं जिसमें रजिस्ट्रार माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। इसके बाद आएंगे हम इन्फॉर्मल लेटर पे, और जो इन्फॉर्मल लेटर होते हैं वो पारिवारिक वो फैमिली लेटर्स होते हैं जो अपने रिश्तेदार करीबी मित्र अंकल आंटी इनके लिए लिखे जाते हैं। तो अभी एक लेटर, एक ऑफिशियल लेटर होना है, उसके बाद इन्फॉर्मल लेटर चलेंगे अपने, और लास्ट में होंगे सीवी एंड जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर, जिनको सीवी बोल देते हैं और वो जॉब लेटर भी होते हैं। तो इस तरह हमारे लेटर हैं। मैं समझता हूँ उनको आप टाइम टू टाइम याद कर रहे होंगे, क्योंकि एक साथ इकट्ठे होने पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इन सब को याद करने में, इन सब को देखने में। तो यही कहना है, टाइमली इनको याद करते चलें, टाइमली इनको देखते चलें। तो ये लेटर था। इसके बाद नेक्स्ट लेटर जो हम शुरू करेंगे जो नेक्स्ट लेटर है, इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिलेगा। और बस यही कहूँगा कि इनको टाइम टू टाइम याद करते चलें, जिससे एक साथ आपको परेशानी नहीं होगी।